यानी तो लोग एजेक्टी से एडवर्ब बनाना, ठीक है, एजेक्टी से जूम नहीं किया, थोड़ा जूम कर, जूम नहीं किया, थोड़ा जूम कर किया, जूम कर कर देना और सब इसे रहने देना, थोड़ा जूम कर देना। तो पहला आइटम आएगा एजेक्टी से, तो जूम है, जूम नहीं, पूरा नहीं जूम है। सर लाजवाब है। एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना। देखो कल पढ़ा थी एडजेक्टिव से, एक नाउन से एडजेक्टिव बनाना, ठीक है, पढ़े थे ना। आज अब पढ़े थे कल कि एडजेक्टिव की पहचान और नाउन की पहचान कैसे होती है। तो एडजेक्टिव पहचान कैसे होता है, नाउन की पहचान कैसे होती है, तो पता हो गया था, ठीक है। किसी भी अगर नाउन में, किसी भी वर्ड मतलब कि एडजेक्टिव में अगर नाउन जोड़ दिया जाए, ठीक है, उस वर्ड जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, ठीक है। आज देखो पहचानेंगे क्या एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना। सबको पता है कि एडवर्ब जो होता है दो ऐसे चीज होते हैं, एक पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट लिख लो तो एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, आवाज मत करना, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आर नोन एज द ऑर्नामेंट ऑफ लैंग्वेज। मेंट ऑफ तो क्या होता है वो कहीं एडवर्ब होता है, जानते हैं, दोनों कहीं ना कहीं तारीफ कर देते हैं, मतलब आपकी पढ़ाई कर देते हैं, कहीं ना कहीं करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं। अब ध्यान देना, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आर नोन एज द ऑर्नामेंट ऑफ लैंग्वेज। क्या आभूषण, आभूषण कहा जाता है, किसका कहा जाता है, भाषा का, भाषा का आभूषण के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना, जैसे स्त्रियों के लिए क्या गाना महत्वपूर्ण होता है, उसने क्या एडजेक्टिव और एडवर्ब का प्रयोग न किया जाए तो पूरे पार्टस में क्या जान नहीं है, वो बेजान जाएगा, समझ गए। अतः कर सकते हैं, ये मतलब की कोई नियम नहीं है, इसमें क्या डिफिनेशन नहीं है, ये हमें संज्ञा बताया है, मतलब कोई भी पूछेगा तो उसको अपने तरीके से बता सकते हैं। जैसे ऑर्नामेंट, तो ग्रामर हम क्यों पढ़ते हैं, क्रमबद्ध होने के लिए पढ़ते हैं, ग्रामर को पढ़ाता है ना, तो ग्रामर को, ठीक है, क्रमबद्ध होने के लिए पढ़ाता है। अब ध्यान दीजिएगा, वैसे ही एडजेक्टिव देखो कैसे बात करेगा, ये देखो एडजेक्टिव जो होता है नाउन और प्रोनाउन विशेषता बताता है, जबकि क्या करता है एडवर्ब जो होता है क्रिया की जगह मोस्टली किसकी बताता है, क्रिया की, क्रिया को बताएगा, एडजेक्टिव का बताएगा और किसका बताएगा, अपना खुद का ही बताता है। अब ध्यान देना, यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया गया, जैसे मान लो यहाँ कोई लंबा लड़का है हमारे, क्या नाम उसका है, नगमा भगवान सा था, क्या नाम तुम्हारा बाबू, विकास, ठीक है, यहाँ पे लिखा है विकास इज टॉल, विकास लंबा है। अब ध्यान देना, अब क्या है, व्हाट इज दिस, नाम तो ये है लेकिन है क्या, सब्जेक्ट है, कौन लंबा है, विकास लंबा है। अब क्या, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, सबको पता है, ये क्या हो गया आपका वर्ड हो गया, ये क्या हो गया आपका अदर वर्ड हो गया, ये सबको पता, अच्छी तरह पता है कि अदर वर्ड हो गया, ठीक है, ये आपका अदर वर्ड हो गया। बिना वर्ड के कोई चीज बनता है, बिना वर्ड के कोई चीज बन नहीं सकता है, हर वर्ड क्या अपने आप में क्या पारंगत है, बिना वर्ड के कुछ बन नहीं सकता है, अधूरा ज्ञान होगा फिर बन सकता है, क्या सेंटेंस नहीं बन सकता है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो विकास स्टाल, विकास लंबा है, अब देखो ये विकास है, ठीक है, तो लंबा है ना, हंसना मत समझो, ये लंबा है नहीं है, ये लंबा है, पता, ये एडजेक्टिव के एडवर्ब है, एडजेक्टिव के एडवर्ब है, एडजेक्टिव है ना,
विकास लंबा तो है, एडजेक्टिव है, तारीफ किया नहीं किया और विकास की तारीफ कर दिया, बड़ा किया नहीं किया और विकास की क्या कर दिया, तारीफ कर दिया, विकास लंबा है। ठीक है, अब यहाँ लगा दी उनका बैरी लगा दी, क्या थोड़ा साफ लिख देते हैं, यहाँ क्या लग गया, बैरी लग गया। अब यहाँ क्या विकास की बैरी टाल, विकास की बैरी टाल बहुत लंबा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टाल जो है एडजेक्टिव है लेकिन बैरी है क्या, एडवर्ब है, एन एडवर्ब, ये एडवर्ब है। अब देखो अब क्या ये क्रिया की तारीफ कर रहा है, विकास की नहीं कर रहा है, विकास कर रहा है, विकास की टाल। ठीक है, यहाँ टाल जो है विकास की तारीफ कर रहा है लेकिन यहाँ क्या कर रहा है। अब देखो एडजेक्टिव ये है और एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, एडवर्ब आता है, बैरी जब भी आता है क्या होता है, एडजेक्टिव से पहले आता है। ठीक है, एडजेक्टिव से पहले आएगा, नाउन से पहले नहीं आएगा, किससे पहले आएगा, एडजेक्टिव से पहले। विकास ही बैरी का विकास बहुत लंबा है। ठीक है, अब क्या विकास अब इसके बाद आया है, आया नहीं आया, अब विकास विशेषता होता है बहुत लंबा है। ठीक है, किसके माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, किसके माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, सबको समझ आ गया, अतः कर सकते हो। यहाँ भी देख लो, अगर मान लो कह दिया गया विकास रीड स्लोली, विकास धीरे धीरे लिखता है। ठीक है, अब बताओ अब विकास की विशेषता बता रहा है कि लिखने बता रहा है, लिखने ही ना, यहाँ तो विकास की बता दिया तो विकास ही चार बता देना, विकास लंबा है। ठीक है, यहाँ देखो विकास लंबा है तो तारीफ किया किसकी तरफ से, टाल लंबाई की तरफ किया गया। ठीक है, लेकिन विकास रीच स्लोली, विकास रीच माने क्या पढ़ता है, स्लोली माने क्या धीरे धीरे, ये सही बात है, गलत नहीं है। हाँ जी तेरे पढ़ते हो, चलो कोई बात नहीं इसमें। अब जानना यहाँ बताओ, यहाँ तो नाउन की कर दिया, यहाँ किसी कर दिया, यहाँ किसी कर रहा है क्रिया की, किसी कर रहा है वर्ब की, यहाँ पे नाउन का किया है तारीफ, यहाँ किसका कर दिया वर्ब का, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइड वर्ब। ठीक है, जो मॉडिफाइड मतलब क्या विशेषता बताता है। ठीक है, और सिंपल लिखाया गया था आपको, एक एडजेक्टिव इज ए वर्ड, ठीक है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइड नाउन और नाउन को नहीं, किसको वर्ड एडजेक्टिव एडवर्ब और एन एडवर्ब। ठीक है, कह सकते हैं कि एडवर्ब ऐसा शब्द है जो क्या क्रिया विशेषता बताता है, एडजेक्टिव बताता है और क्या क्रिया अपना खुद का बताता है कभी कभी, समझ आ गया। अब देखो विकास रीड स्लोली, अब लिखने बता रहा है ना कि विकास का बता रहा है, विकास क्या बताया है विशेषता होता है ना। ठीक है, एडजेक्टिव है क्योंकि जो नाउन और प्रोनाउन विशेषताओं को बता दे वही क्या कहलाता है, एडजेक्टिव है। कितने कलर होते हैं ध्यान देना, अब जितने कलर 12 में होते हैं पता ना, 3 में होते हैं, अरे मतलब कि 12 मतलब कलर में 12 लोग लिखाते हैं, ज्यादातर 12 क्या होते हैं मेन होते हैं ना, तो मतलब कि 3 प्राइमरी होते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन छोटे बच्चों को 12 फल फूल लिखाया था, 20 लिखा था, ये कॉमन चीज होता है। ठीक है, तो जितने रंग रूप होते हैं, ठीक है, जो गुण और दोष को बताए वो एडजेक्टिव कहलाता है, और जो क्या क्रिया की तारीफ कर दिया, अब तारीफ कर दिया लिखने का, सो लिखता है, कह दिया विकास रिस्ट। ठीक है, हाँ, अब मान लो क्या बैट करता है गुड करता है, अब यहाँ क्या बैट कर दिया है गुड कर देगा, विकास रिस्ट क्या हाई नहीं कर सकते ना, फास्ट नहीं कर सकते हैं, फास्ट अपने आप में फास्ट में एलवाई नहीं जोड़ सकते हैं, ध्यान देना। अब मान लिया लिख दिया दूसरा चीज आ गया विकास स्पीक लाउडली, विकास स्पीक लाउडली, विकास क्या तेज बोलता है। अब देखो लाउड, लाउड माने क्या हुआ, देखो लाउड से बन गया क्या एलवाई जोड़ दिया गया, हो गया क्या लाउडली। अब आप एक एक करके सिखाया जाएगा कि किस तरह किसको जोड़ के बनाते हैं, जैसे नियम होता है ना क्या जोड़ क्या बनाते हैं, किस एडजेक्टिव में क्या जोड़ा जाए, मतलब ज्यादातर जो एडवर्ब होते हैं वह एल वाई से ही खत्म होते हैं अधिकतर, देखने मिलता होगा कि अधिकतर जो एडवर्ब होते हैं आपके किससे शुरू खत्म होते हैं, एल वाई से, यहाँ भी एल वाई, यहाँ भी एल वाई,
अब बताओ कि विकास की विशेषता बता रहा है कि मूल्य बता रहा है। एडवर्ड हुआ ना, लवली क्या हो गया, एडवर्ड तरीका बता रहा है, ढंग बता रहा है। ठीक है, हम देखो तीन चीज होता है, व्हेन, हाउ, दूसरा आएगा व्हेन हो गया, वैन हो गया और हाउ हो गया, कब कहाँ कैसे, ये तीनों क्या है, एड ऑफ टाइम, एड ऑफ प्लेस, एड ऑफ मैनर, ये है क्या मैनर है। अब हाउ का क्वेश्चन करो मिल जाएगा ना, तीन है, तीन लाजवाब होते हैं, तीनों को पढ़ना चाहिए, तीनों को क्या क्वेश्चन किया जाता है। अगर क्या करेंगे किसी मेन वर्ड में हम क्या करते हैं, वैन लगा क्वेश्चन करते हैं तो एडवर्ड ऑफ टाइम मिल जाता है। जैसे हमने कह दिया क्या मिल जाएगा, एडवर्ड ऑफ टाइम मिल जाएगा। सबको समझ आ रहा है, किसी दिक्कत नहीं है किसी को, उसे दिक्कत तो होगी नहीं क्योंकि रिपीट कर रहे हैं सोलो। ठीक है, रिपीटन हो रहा है और क्या हो रहा है। हम देखो दूसरा यहाँ बना लेते हैं, यहाँ कह दिया He will come today. वो आज आएगा, प्लान बना रहा है, बना दिया मतलब वहां से वो आज आएगा। तो अब यही क्वेश्चन कर लो, अब क्वेश्चन यही करोगे किसने करोगे, अब क्वेश्चन कर लो हाउ व्हेन से, व्हेन विल क्वेश्चन करना बताया थे आप लोग, कैसे बनता है आंसर का देंगे, व्हेन विल ही कम, वो कब आएगा, टुडे। अब बताओ ये टुडे एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, अब कौन सा एडवर्ब हुआ, टाइम हुआ, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। एडवर्ब टाइम कैसे पहचाने, टुडे आ गया, टुमारो आ गया, सून आ गया, ठीक है, बिफोर आ गया, पहले आ गया, समझ गया, बिफोर पहले अब कमन बाद में, सून मन जल्दी, ठीक है नाउ माने अब, अब कह दिया ही केम, ही विल कम नाउ, वो अभी आएगा, वो कब आएगा, ठीक है कब आएगा, कब आएगा, He will come soon. यहाँ पे क्या किया हमने, टुडे लगा दिया, ठीक है, और टुमारो लगा दिया, उसे टुडे टुमारो स्टडी नहीं लगेगा, ठीक है, सून लगा दिया, और अब सब के सब क्या है, सब के सब एडवर्ब, टोटल एडवर्ब में है ना, He will come today. कब आएगा, आ जाएगा, ठीक है, He will come. ठीक है, टुमारो कब आएगा, कल आएगा, He will come soon. वो जल जाएगा, कब आएगा, जल जाएगा, हर अपने आप में क्या है, अपना एडवर्ब है। ठीक है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, आने की बता रहा है, किस बता रहा है, आने की, ठीक है ना, कि क्या ही की तो बता नहीं रहा है, बता रहा है किसकी बता रहा है, तो बता रहा है किस बता रहा है, ठीक है, वर्ब की बता रहा है, जो वर्ब विशेषताओं को बता है वही क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। इसको लिखना है, लिखना क्या समझाना है, ठीक है, नहीं लिखना है, चलो ठीक है, क्योंकि ये समझा दिए मतलब वैसे ही। अब बेसिक जो मेन चीज हम लोग पढ़ने वाले थे, एडजेक्टिव सी एडवर्ब बनाना, ठीक है, कैसे बनाते हैं ध्यान देना, शाम को मिटा लेना चाहिए, घबरा जा रहा है, सूख जा रहा है ना, ऐसा ना, उसमें से सूखे जो नया मार्कर लाए हैं वो 13 पीस का है, ऐसा 20 वाले हैं, वो इंक लेस है, मतलब कि इंक पड़ेगा, हाँ सोखेगा नहीं, कई कई दिन तक रहेगा, खराब हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, पहला कांसेप्ट पता है कि अगर एडजेक्टिव लिखना नहीं है तो तुम लोग लिखाएंगे तो लिखना, एडजेक्टिव हो गया, अगर एडजेक्टिव में से एडजेक्टिव में क्या जोड़ दिया जाए, एडजेक्टिव में किसी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, तो क्या बन जाएगा, सिंपल सा बात है, नियम जो होगा लिखाएंगे आपको, ठीक है, ये सबको समझ आ गया कि किसी भी एडजेक्टिव में क्या जोड़ा जाएगा, ठीक है, एल वाई जोड़ दिया गया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। जैसे पहला देख लो यहीं पे, जैसे देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे दो लगते हैं, चलो ब्यूटी
अब फूल कई बच्चे डबल एल डबल एल लिखते हैं ना गलत है ठीक है ब्यूटीफुल अब बताओ एडजेक्टिव एक नहीं है हमको ढूंढना क्या है एल वाई हमको क्या जोड़ देना है एल वाई ठीक है अब ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव है कैसे एडजेक्टिव है आपको शो कर दिखाते हैं अगर यहाँ लिखा है ठीक है द फ्लावर एक ही फूल की बात नहीं है द फ्लावर इज ब्यूटीफुल अब फूल क्या है सुंदर है अब बता एडजेक्टिव वर्ब नहीं हुआ अब ब्यूटीफुल एडजेक्टिव कैसे है सबसे बड़ी बात है कि यह क्या नाउन की विशेषता बता दिया है ठीक है तो नाउन को जो प्रोनाउन की विशेषताओं को बताए वो क्या कहलाता है एडजेक्टिव कहलाता है एकदम नाउन है नहीं है कौन सा नाउन है सही ये कामन नाउन है कि कामन नाउन फूल का नाम नहीं दिया हर फूल का नाम होता है ठीक है द लॉट ऑफ द फ्लावर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड ठीक है यू नो अबाउट ऑफ द फ्लावर ठीक है जैसे रोज हो गया लोटस हो गया मैरीगोल्ड हो गया सबका नाम होता है गुलाब अड़हुल गुड़हुल ठीक है बहुत होता है तो लोटस जो भी है तो फूल क्या नाउन है तो हम कैसे जब नाउन विशेषता बता देगा तो जान रहे हैं क्या है एडजेक्टिव ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है हमने क्या बोला अगर किसी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है अब किसी नाउन में क्या जब प्लूरल जोड़ दिया जाए तो हाँ तो एडजेक्टिव बन जाएगा ये कल बताए थे कल एडजेक्टिव की बात हो रही कल नाउन की बात हो रही एडजेक्टिव की बात हो रही खत्म हो गया ठीक है ब्यूटीफुल अब बताओ ब्यूटीफुल में क्या जोड़ दिया यहाँ पे यहाँ पर जोड़ दिया गया अब सिद्ध हो गया ना ये सिद्ध हो गया कि ब्यूटीफुल क्या है ऐसा भी कर दिया गया क्योंकि क्या इसका ये भी क्या ये कौन सा क्वालिटी बता रहा है क्या बता रहा है हाँ अब बताओ एट्रिब्यूटिव है कि प्रेडिकेटिव है ये प्रेडिकेटिव यूज है क्या है प्रेडिकेटिव यूज कैसे बताने ये नाउन के बाद आए तो क्या है प्रेडिकेटिव है अगर नाउन के पहले आए तो एट्रिब्यूटिव है ये सबको अच्छी तरह पता है ठीक है सिद्ध हो गया क्या यह ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव है क्योंकि फूल की सिद्धता होता है फूलवा कैसा है हाँ फूल क्या सुंदर है ऐसे मान लो फूल है बना तो आता रही है लेकिन बना दिखाते हैं चार बन जाए ठीक है ऐसे मान लो फूल है ठीक है उतना नहीं आता है कला कला में हाथ तंग है ठीक है बोर्ड पे नहीं बन पाता है पेंसिल से बनता है मान लो फूल है ना ये फूल है और फूल क्या है सुंदर है ठीक है अब फूल क्या है एक फूल बहुत ब्यूटीफुल है जब बता रहा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आप बोलने वाले कुछ बोल देते हैं तो ब्यूटीफुल है अब फूल क्या है बहुत सुंदर है अब फूल क्या है एडजेक्टिव नहीं है नाउन है ठीक है अब फूल की सुंदरता बता रहा है बहुत सुंदर है इतना सुंदर कहने कदर है हाँ क्या फूल है फूल है ना जी ये पत्ता दिखा दे अच्छा फूल है चलो बहुत अब फूल है बढ़िया है तो फूल क्या है बहुत सुंदर है कोई चीज देखो ब्यूटीफुल होता है ठीक है खासकर गर्ल्स के लिए होता है वुमेन के लिए होता है ठीक है और फूल पत्तियों के लिए होता है लेकिन लड़कों के लिए नहीं करता कह दिया बच्चा बोल दिया ठीक है डब्बा इज वेरी ब्यूटीफुल अपना नहीं है ठीक है डब्बा इज वेरी ब्यूटीफुल वो कहेगा कहां से लेकर आया हैंडसम बोलेगा तब ना अब लड़के लगे फेल अभी लगा अलग है ठीक है लगाते हैं कभी भी तो लगाते हैं ठीक है फिर हैंडसम मानी का तो फिलौली सब लगाते हैं जानते पे लगाते फिलौली तो फिर हैंडसम लगाते बात अलग होती है आज जब फिलौली लगाते हैं ना सोचते हैं लड़की जब लगाती गोरी होती है गोरी होती है ना तो लगा के तो और गोर हो जाएगी ठीक है लेकिन लड़कियों के अगर फिर हैंडसम नहीं लगाते वो फिलौली लगाएगी वैसे बहुत कुछ आ गया है जमाने में कॉस्मेटिक चीज बहुत है ठीक है जो दिखता है वही बिकता है आज तो यार एक तो मैं लगा के होंगी नहीं चेहरा कर देती हूँ ठीक है और देखो ब्यूटीफुल हो गया अब इसमें जोड़ दिया अब हमें क्या बनाना है हमें एडवर्ब बनाना है ध्यान देना तो क्या हो गया यहाँ पर हमने बनाया यहाँ पे बी ई ए यू टी एफ यू एल एक एल है इसमें हम तो एक एल और जोड़ देंगे और उसको क्या लगा देंगे एल वाई अब बताओ क्या हो गया ही राइट ब्यूटीफुली अब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो यही देख लो ही राइट ब्यूटी फुली फुली स्टॉप यहाँ पे वह सुंदर लिखता है कैसा लिखता है सुंदर वह सुंदर लिखता है अब बताओ
इस लड़की विशेषता बता रहा है कि लिखने नहीं बता रहा है, ठीक है? वहां पे अपवाद दिया सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, अंतर है ना। अब देखो यहाँ पे इसकी बता दिया, यहाँ पे इसकी बता दिया, सही ना है? यहाँ का ही राइट्स ही नहीं, यहाँ सीधे डाल देते सही जाएगा। दूसरे के एग्जांपल सी राइट्स ब्यूटीफुली, वह सुंदर लिखती है, और सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। बच्चा कंफ्यूज, बच्चा कंफ्यूज जाएगा, सोचेगा कॉन्सेप्ट बच्चे नहीं पढ़े हैं, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा ही ना हो, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा ही ना हो तो पहली बार कंफ्यूज होगा। गाइस में एलवाई लग गया है और गाइस में एलवाई खत्म हो गया, उन्हें समझेगा एडवर्ब और ना समझेगा क्या एडजेक्टिव, कुछ नहीं जानेगा, ठीक है? वो खाली बस ब्यूटीफुल ब्यूटी चिल्लाएगा, उन्हें जानेगा क्या ब्यूटीफुल, कोई बोले ना इज ब्यूटीफुल, इट इज ब्यूटीफुल, द टेबल इज ब्यूटीफुल, कुछ ही बोले, किताब इज ब्यूटीफुल, तो जो भी है बोले, फ्लावर इज ब्यूटीफुल तो पूछो व्हाट इज ब्यूटीफुल, कुछ बोले क्या है, क्या है ना, ये कॉन्सेप्ट है, पूछो व्हाट इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है क्या, ये क्वेश्चन बनता है। बोलने वाला तो बोली, अच्छा कोई बोलेगा ना तो पूछना, बड़ा बोलती ब्यूटीफुल होता तो ब्यूटीफुल है क्या, मत पूछ देना, अच्छा जाएगा। अब कहेगा हम जानते देखो, यहाँ सी की विशेषता बताया है, यहाँ लिखने की बता दिया है, तो क्रिया की जो विशेषताओं को बताया है वो क्या कराता है एडवर्ब, और जो नाउन और प्रोनाउन की बता दी, अरे कोई लड़की है सी नहीं है, सी किसी का नाम नहीं है, क्या रिपीट आप नाउन, नाउन को रिपीट कर दिया है, जान देना जो नाउन को रिपीट करे वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है? तो आपको सबको समझ आ गया, सी राइट्स ब्यूटीफुली, सी राइट्स ब्यूटीफुली, और सी राइट्स ब्यूटीफुली क्या हो गया, अब लिखने का तरीका होता है, जो लिखती है सुंदर लिखती है, बहुत सुंदर लिखती है, ठीक है? कोई क्या आरोप नहीं लगा सकता है, ठीक है? सी ब्यूटीफुल 100% सुंदर है, ठीक है? ये क्या है, महसूस किया ना, एडजेक्टिव को महसूस भी किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव को महसूस भी करते हैं लेकिन एक्टिव नाउन नहीं होते हैं, ध्यान देना। अरे मत कर देना सर, ब्यूटी जो होता है, ब्यूटीफाई, बी टी ए यू टी आई एफ वाई लगा, ब्यूटीफाई माने सुंदरता, या सुंदर, सुंदरता हो गया, नहीं हो गया सुंदरता हो गया तो ब्यूटीफाई, ठीक है? ब्यूटीफाई एफ वाई लगा देंगे तो बन जाएगा क्या आपका नाउन, बन गया, ठीक है? अब ध्यान देना, बन गया तो क्या ये महसूस किए हैं, एडजेक्टिव को भी क्या महसूस किया जाता है, ठीक है? कुछ को, सबको नहीं, कुछ को, हमने कह दिया यू आर वेरी बैड बॉय, यू आर वेरी गुड बॉय, ठीक है? अब अच्छा कैसे पता है कि बैड है गुड है, एक्शन को देखकर, क्रिया को देखकर, बार बार सबको मारता है, ठीक है? गुड है तो तारीफ करता है, ठीक है? सबको समझा गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, उनको आपको दोनों चीज समझा रहे हैं, बाय वर्ड और बाय क्या सेंटेंस, सेंटेंस के द्वारा भी तो क्या वर्ड के द्वारा भी बताया जा रहा है। और ध्यान दो, दूसरा क्या हो गया आपका, प्रयोग हो गया, इसमें ए हो वहां एल लगा के जोड़ेंगे, ध्यान देना। यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में क्या हो, ई हो, क्या हो, ई, ई पर इवेंट हो, हाथी ना हो यहाँ पे, ई हो, ई समझ गए, एक लेटर हो, ई वावेल आ जाए, अगर ई वर्ड आ जाए तो जब जोड़ेंगे सब में नहीं किसी किसी में, ठीक है? तो क्या करेंगे, जब इसमें जोड़ेंगे एल वाई तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका एडवर्ब। अब प्रयोग क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है? और लगा देंगे ब्रेवरी तब एडवर्ब, अच्छा प्रयोग हो गया, अच्छा आर वाई लगा देंगे तब क्या हो जाएगा, नाउन बन जाएगा। कल बताते कि दोनों बन सकता है, नौनियो बन सकता है, ठीक है? अरे नाम नहीं जी, ठीक है? ये ब्रेव लिखा तो ब्रेव नाउन बन सकता है और क्या एडवर्ब भी बन सकता है। अब देख लो ये जस्टिफाई कर देते हैं, ये एग्जांपल पे पहला लिख दिया गया, रावणावाज, रावणावाज ब्रेव, ठीक है? आते भी एन
लास्ट में जो होता है ना ये लगाते हैं प्राचीन नाम में लगाते हैं नए नाम में नहीं, ठीक है, नया नाम रावण खत्म करा जाएगा, ठीक है, सही है। अब बोल दिया रावणा वाज कोई रावण वाज देव, रावण क्या है, ठीक है, बहादुर था, बहादुर था, अरे मर गया कहां से है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया दूसरा कह दिया इसमें रावणा फाट, FAUGHT फाट माने क्या, लड़ा, FAUGHT फाट, ठीक है, ब्रेवली। आपको दोनों कांसेप्ट बता रहे हैं, ध्यान देना बहुत अलग तरीके से जो आपको वर्ड समझ में आ जाएगा और क्या ये सेंटेंस भी समझ में आ जाएगा, वर्ड पक्का समझ आएगा। बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, ये होंगे कहेंगे ब्रीव इसमें दिया है, एल इसमें दी, एल वाई कहाँ से आ गया, इन्हें इंसाफी है अंग्रेजी बोलिए क्या चीज है, ठीक है, रूल होता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं रूल नहीं जानते हैं, सबका रूल होता है, किसको बना किसको बना जाए सबका रूल होता है, एक एक करके पढ़ाया जाएगा, ध्यान देना। अब देखो यहाँ क्या कर दिया, यहाँ रावण की चिंता होता है, रावण रावण वाज देव, रावण क्या था, बहादुर था, ये सही है, सही ना, जात का ब्राह्मण था, कर्म का क्या था, राक्षस था, ठीक है, ध्यान देना। मास विश्वा का पुत्र था, यही बात है, ठीक है, शंकर जी को प्रश्न कर रहा है, बताओ रावणा फॉर ब्रेवरी। अब बताओ यहाँ किसकी बता रहा है कि लड़ने को बता रहा है, यहाँ तो रावण को बता दिया सकता कि रावण कैसे इंसान है, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन रावणा, व्हाट टाइप, ठीक है, आप पर्सन रावणा, व्हाट रावणा किस प्रकार का, ठीक है, इंसान था, ठीक है, तो बहादुर था, क्या था, बहादुर। अब यहाँ देखो How did Ravana fight? रावण कैसे लड़ता था? ब्रेवरी। अब बताओ लर्निंग बता दिया कि रावण को बता दिया? लर्निंग बताया ना, यहाँ पे केवल लड़ने के बता दिया, तो लड़ना जो आ गया ना ये क्रिया है, ये क्रिया है, और यहाँ जो रावण आ गया ये नाउन है, जो नाउन को नाउन विशेषताओं को बताए एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है, और जो क्रिया बताता है, ठीक है, एडजेक्टिव बताता है, एडवर्ब बताता है, और क्या है वह एडवर्ब कहलाएगा, एनी डाउट, उसे डाउट तो क्लास में होगा नहीं, क्योंकि दोनों पढ़ाते रहे, लग गया दोनों क्लियर हो जाएगा ना, एडजेक्टिव देख लो, अलग स्टॉप देख लो, आज की बात मत करना सर, आई डोंट नो अबाउट द एडवर्ब, स्पीच कैसे कर देंगे तुम्हें जान लेना, सही है नहीं, सही है। अब इतना पढ़ाने के बाद अच्छे कहेंगे, देखो कई दिन चल रहा है, इसके बाद सब चैप्टर आसान मिलेगा, ठीक है, इजी मतलब इजी है, क्यों समझो कि दोनों दिन में खत्म हो जाएगा, तीन तीन चार दिन लगेगा, अभी काइट से पढ़ा रहे हैं, अभी योजना सिखा रहे हैं, इसके अलावा भी क्या बहुत सारे एडवर्ब होते हैं, इसमें एडवाइट नहीं होते, ठीक है, प्लेस प्लेस हो गया कहाँ उसमें होते हैं, एक जानते हो इसे मैनेजम पाए जाते हैं और किसी नहीं पाए जाते हैं, इसे उतार लो, ठीक है, और भी बताते बहुत सारे व्यक्ति उसमें कितना बताएंगे टाइम लगेगा, ठीक है, एक एक दूसरे बताते हैं, ठीक है, पता चलेगा कि एल वाई खत्म नहीं हुआ, एल वाई खत्म नहीं हुआ, कुछ और खत्म हो गया, इसको हम कॉन्सेप्ट लिखाएंगे, ध्यान देना, इसको कॉन्सेप्ट लिखाएंगे, ये एल वाई जोड़ने का तरीका था, सामान्य था, रूल था, क्या था, सामान्य रूल था, आपको पहला कॉन्सेप्ट मिल गया, क्लियर मिल गया, यहाँ पे यदि किसी एडवर्ब में, ठीक है, यदि किसी एडजेक्टिव में, सॉरी यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में ई हो, अभी लिखवाएंगे इसके बाद, ठीक है, ध्यान देना, तो एक एक करके सीखोगे तब आएगा, अन्य सीखोगे क्या कुछ भी नहीं आएगा, आखिर बहादुर है पचाने में कैसे बहादुर है, ये बात है, लड़ा होगा भिड़ा होगा, ठीक है, पटका होगा, जीत गया होगा, बहादुर कहला होगा, ठीक है, अब एक शेर क्या करे, आ तो आपके कुत्ते को मार दे तो बहादुर कौन है, शेरन हो आप मुझे मार, अच्छा मतलब आप मुझे मार सुनते हो क्या, अपनी गलती खुद करके अपने अपने आप को मरवा, ठीक है, हो गया, और रूल लिखो, नहीं हुआ जब तक पड़ेगा तब तक नहीं है, 24 मिनट लगाए हैं, टाइमर लगा है, चलो देखो बोल रहे हैं, रूल नंबर वन, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में, यदि किसी क्या एडजेक्टिव के अंत में
ई आ जाए, ई ई फॉर इंस्टेंस, यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में ई आ जाए तो एडवर्ब बनाते समय एल वाई का प्रयोग करते हैं। एडवर्ब बनाते समय किसका प्रयोग करें बच्चों? एल वाई का। हमने क्या बोला, कोई एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव किससे खत्म हो? ई से। किससे खत्म हो? एडजेक्टिव जो है आपका ई से खत्म हो और किसी मत खत्म हो।